हेलो गाइस, वेलकम टू ध्रुपंचा ट्यूटोरियल चैनल। तो आज हम देखते हैं कि ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी के बारे में देखेंगे। ब्लैक बॉडी इज़ द इम्पोर्टेंट इन थर्मल रेडिएशन थियोरी एंड प्रैक्टिस। द आइडियल ब्लैक बॉडी नोटेशन इज द इम्पोर्टेंट इन स्टडिंग थर्मल रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रांसफर इन ऑल वेवलेंथ बैंड्स। द ब्लैक बॉडी इज यूज एज अ स्टैंडर्ड विथ विच द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रियल बॉडीज इज compared. Definition of the black body. A black body is the ideal body which allows the whole of the incident radiation to pass into itself and absorb within itself this whole incident radiation without passing on the energy. This property is valid for radiation corresponding to all wavelength and all angle of incidence. Therefore, the black body is as an आइडियल एब्जॉर्बर ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो हमें ये पता चलता है कि ब्लैक बॉडी यानी कि कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन जो उसके सरफेस से पास होता है उसमें से एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है उस वैलिड प्रॉपर्टी को, उसके अलॉन्ग वेवलेंथ उसकी होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये सबको आइडियली तरह से एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। फिर आगे हम देखते हैं, एन ओवन विद अ स्मॉल ओपनिंग प्रोड्यूस अ वेरी गुड ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। तो यहाँ हम एक बॉडी रेडिएशन लॉ इसके बारे में देखते हैं कि रेलम जीन्स लॉ। इसमें क्या होता है, इट एग्री विद द एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट फॉर लॉन्ग वेवलेंथ। तो ये लॉन्ग वेवलेंथ के लिए ये एक्सपेरिमेंट है और इसके प्रेडिक्शन एनर्जी आउटपुट दैट डिड डाइवर्स टूवर्ड्स इन्फिनिटी एज वेवलेंथ ग्रो स्मॉलर। तो जैसे हमारी एनर्जी को आउटपुट डाइवर्स यानी कि इन्फिनिटी की ओर वेवलेंथ का ग्रो होता है वैसे वे स्मॉल होती जाती है। ये सेकंड पॉइंट में दिखाया है। फिर थर्ड पॉइंट के बारे में बोले, द फेल्योर हैज बिकम नोन एज द अल्ट्रा वायोलेट कैटास्ट्रोफ। तो ये फेल्योर को अल्ट्रा वायोलेट कैटास्ट्रोफ कहते हैं, अल्ट्रा वायोलेट कैटास्ट्रोफ। The formula also had a problem. The problem was the term in denominator. तो denominator में problem है, यानी इधर लिखा है, आपको ऐसा लगता होगा ये formula में, लेकिन printing में ऐसा है t raised to power 4 आता है। कोई भी इधर i इस x मान लो x और t 2x ckt, k है वो बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है, इसमें लिखा है। तो denominator में problem होता है, for large wavelength it फिटेड द एक्सपेरिमेंट डाटा बट इट हैड मेजर प्रॉब्लम एट शॉर्टर वेवलेंथ। अगर लार्ज वेवलेंथ है तो उसमें कोई डाटा में प्रॉब्लम नहीं होता, वो फिट हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तभी होता है जब शॉर्टर वेवलेंथ होती है कि अल्ट्रा वायोलेट कैटास्ट्रोफ। तो इसमें इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ दिखाया हुआ है, जिसमें ये यूवी कैटास्ट्रोफ, इसको कैटास्ट्रोफ कहते हैं, जो आपको इधर दिख रहा होगा। तो ये है यूवी कैटास्ट्रोफ जो लार्ज वेवलेंथ पर फिट होता है और स्मॉल होता जाता है जब मेजर होता है। एक्सपेरिमेंटल कर्व ऐसा होता है, ये इधर आपको दिखाया हुआ है। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ सेकंड, इसके बारे में बात करते हैं कि प्लैंक्स लॉ। तो इसमें क्या होता है, प्लैंक्स लॉ में होता है कि एज अ डिस्ट्रीब्यूशन पीक एट अ सर्टेन वेवलेंथ द पीक शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ फॉर हायर टेम्परेचर। तो ये ऐसा कहता है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे उसकी पीक की साइज इंक्रीज होती है और शॉर्टर वेवलेंथ हो जाती है। एंड द एरिया अंडर द कर्व ग्रो रैपिडली विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो उसका ऐसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इसका यह पूरा एरिया ज़्यादा हो गया, 300 केल्विन वाला। अब जब 250 वाला देखेंगे तो इतना ही एरिया आएगा, जब 200 वाला देखेंगे तो इतना ही आएगा। तो ऐसे है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर तो उसका एरिया सबसे ज़्यादा। फिर आगे हम देखते हैं, द स्पेक्ट्रल रेडिएशन और द एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल पर यूनिट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो उसका ऐसा यूनिट हमें दिया है, जे सीमेन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वेयर, एस आर इनवर्स हर्ट्स इन माय इनवर्स और सी इज इक्वल टू एन यू स्टार लैम्बडा। अब हम बात करते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम व्यू। देयर इज गुड फिट एट द लॉन्ग वेवलेंथ बट एट
इसमें लिखा है देर इज गुड फिट एट द लॉन्ग वेवलेंथ बट एट अ शॉर्ट वेवलेंथ देर इज मेजर डिस एग्रीमेंट रेबर जींस इन्फिनिटी बट ब्लैक बॉडी जीरो। तो जैसे हम रेबर्स, तो रेबर्स में क्या होता है कि रेबर्स का जीन का इन्फिनिटी ये रेबर्स है जिसको हम क्लासिकल थियरी कहते हैं, और जबकि ब्लैक बॉडी का हम बात करते हैं तो ब्लैक बॉडी का ऐसे इंक्रीज करके फिर लास्ट में यहाँ जीरो पे आ जाता है, जबकि रेबर्स का इन्फिनिटी तक जाता है और हमारा जीरो पर आ जाता है। तो ये बात रही उसकी। फिर हम आगे देखते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ थर्ड, तो लॉ थर्ड के बारे में बात करते हैं, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसमें क्या है, इट टेल्स अस एस वी हीट एन ऑब्जेक्ट अप इट कलर चेंजेस फ्रॉम रेड टू ऑरेंज टू वाइट हॉट। तो इसमें हम बोलते हैं कि जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे तो सबसे पहले वो कलर चेंज करता है, रेड से ऑरेंज में जाता है, पहले रेड होता है फिर ऑरेंज में जाता है फिर वाइट हो जाता है वैसे इंक्रीज करके। यू कैन यूज़ दिस टू कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ स्टार। तो हम ऐसे ही कलर की कलर को देख के हम टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर होगा आगे इतना। फिर द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज़ 577 केल्विन दिस टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द पीक इमिशन 502 नैनोमीटर इज इक्वल टू अबाउट 5000 एंगस्ट्रॉम। तो ये एंगस्ट्रॉम है 5000 जितना। इधर हमें टेम्परेचर की भी फॉर्मूला दिया है, बी क्या है तो ये है वेंस डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू इधर हमने अभी आगे देखी 2.897768551×10⁻³। तो इधर 10⁶ आता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ फोर्थ, इसमें आता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ विच गिव्स द टोटल एनर्जी बीइंग इमिटेड एट ऑल वेवलेंथ बाय द ब्लैक बॉडी विच इज एट एरिया अंडर द प्लैंक्स कर्व। इसमें हम बोलते हैं कि जो भी एनर्जी है हमारी वो एक कर्व के अंदर आती है वो सब एनर्जी, तो ये एरिया अंडर द कर्व है वो हमारी ब्लैक बॉडी की एनर्जी टोटल एनर्जी रहती है। दूसरा में एक्सप्लेन किया कि एक्सप्लेन द ग्रोथ इन द हाइट ऑफ द कर्व एज द टेम्परेचर इंक्रीज। तो जैसे टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा उसकी ग्रोथ ऑफ हाइट में भी चेंज आता है। फिर बात है कि सिग्मा, सिग्मा क्या है तो 5.67×10⁻⁸ जूल सीमेन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर केल्विन -4, इसको स्टीफन बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। करते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ फिफ्थ, कि ये जो है ब्लू लाइट वाला वो है विंस का, फिर प्लैंक्स का उसके पीछे, और जो रेड है वो है रेबर्ग का। तो अब आगे देखते हैं कि रेडिएशन पर फ्रीक्वेंसी का ये ग्राफ है, इसमें है कंपैरिजन ऑफ द रेबर्ग जीन्स लो विथ विंस लो विथ एंड प्लैंक्स लो फॉर बॉडी ऑफ द 8 MK टेम्परेचर 8 mK टेम्परेचर पर हमें इसका देखना है, कंपेरिजन करना है कि क्या क्या होता है। इधर दोनों ग्राफ सेम हो जाते हैं जो विंस का है और प्लैंक्स का है, जबकि रेबर्ग्स का ग्राफ ऐसे ही आगे ही बढ़ता जाता है जैसे इन्फिनिटी की ओर। फिर आगे देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर ब्लैक बॉडी, तो इसमें आता है द एरिया ऑफ द अर्थ डिस्क एज व्यू फ्रॉम द स्पेस इज द एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। फिर सेकंड है द टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन अर्थ इज इंसिडेंट एनर्जी पाई आर स्क्वायर एस जीरो एनर्जी एब्जॉर्ब एनर्जी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एस जीरो 1 - a। एज वी नो द बॉडी मस्ट बी द रेडिएशन इक्विलिब्रियम द एनर्जी स्ट्राइकिंग अर्थ डिस्क एज व्यू फ्रॉम द स्पेस इज रीमिटेड एज द थर्मल रेडिएशन बाय द सरफेस ऑफ द एंटायर ग्लोब एज डिजायर्ड बाय द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एमिटेड एनर्जी इज इक्वल टू 4 πr² सिग्मा टी रेस टू पावर 4 सेट एज एब्जॉर्ब एनर्जी। और इसका ये टी का फॉर्मूला भी हमें मिल जाता है 255 केल्विन पर बताया है। तो कंक्लूजन के बारे में हम बोलते हैं कि एज द टेम्परेचर इंक्रीज द पीक वेवलेंथ इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी डिक्रीज। जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारी जो पीक वैल्यू है, पीक वेवलेंथ है जो ब्लैक बॉडी से निकलती है वो डिक्रीज होती जाएगी। एज द टेम्परेचर इंक्रीज द टोटल एनर्जी इमिटेड इंक्रीजेस बिकॉज द टोटल एरिया अंडर द कर्व। जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इतना हम सोचे कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो इतना ज़्यादा सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने को हमें मिला। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द एनर्जी इमिटेड इज ऑल्सो इंक्रीजेस। फिर हम आगे देखते हैं कि थर्ड पॉइंट में द कर्व गेट्स इन्फिनिटली क्लोज टू द एक्स एक्सिस बट नेवर टचेस इट।
तो जो हमारा कर्व है वो हमारे एक्स एक्सिस से इधर इधर आप देखें सभी का कर्व ऐसे ही जा रहा है, कोई हमारी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। तो ये हमें दिखाया है कि कर्व गेट टू ए इन्फिनिटी तक जाते हैं लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। लास्ट इज समरी, द ब्लैक बॉडी इज द थियोरेटिकल ऑब्जेक्ट दैट अब्सॉर्ब 100% ऑफ द रेडिएशन दैट हिट्स इट, देयरफॉर इट रिफ्लेक्ट नो रेडिएशन एंड अपियर एज परफेक्ट ब्लैक। तो जो हमारी ब्लैक बॉडी है वो 100% एब्सॉर्ब करती है रेडिएशन, तो उसमें नो रिफ्लेक्शन नो रेडिएशन देन इट अपियर एज परफेक्ट ब्लैक बॉडी, तो उसको परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहते हैं। फिर आता है कि रफली वेन वी कैन से दैट द स्टार रेडिएट लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएटर, दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट मीन्स दैट वी कैन यूज द थियरी ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएटर फॉर इन्फर थिंग्स ऑफ स्टार, जो हमारी स्टार की थिंग्स से हम रिलेट कर सकते हैं कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएटर की तरह बिहेव करता है। फिर थर्ड है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर अ ब्लैक बॉडी वुड इमिट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉसिबल फॉर टेम्परेचर, तो एज अ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हमारी एनर्जी भी इंक्रीज होती है। फिर है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट इमिटिंग इट, एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिपेंड ऑन ओनली वन पैरामीटर एंड दैट इज टेम्परेचर। तो हमने देखा कि कोई भी ग्राफ में एज अ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, जबकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये सरफेस जो ऑक्यूपाइड होगा तो उसकी एनर्जी भी इंक्रीज होगी, एज टेम्परेचर इंक्रीज एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, और वेवलेंथ जो हमारी है वो डिक्रीज करती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।